एलडीए के शोभा टाउन प्लानिंग और कमर्शियलाइजेशन की कार्रवाई में सरबमोहर की गई इमारतों में नेशनल ड्राई क्लीनर्स, हाफिज मून पेंट हाउस, माशाला आटोज, रहमान आटोज, अली मैकेनिकल वर्क्स, नेशनल स्टेट बिल्डर्स, सादात ऑटो वर्कशॉप, अल रहमान मोटर वर्कशॉप, माशाला पेंट हाउस, हक मोटर वर्कशॉप, मलिक कार एसी, लासानी बैटरी सर्विस, मियाँ ऑटो स्पेयर पार्ट्स, नोमान टायर शॉप, खान ऑटो वर्कशॉप, अलमका इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू लासानी ऑटो मैकेनिकल वर्क्स और मलिक कॉरपोरेशन समेत दीगर शामिल हैं। सरबमोहर की गई वर्कशॉप में मुतअद्दिद मजदूर भी कैद हो गए, जिन्हें 2 घंटे बाद इमारतों से निकाला गया। मैंने उनको मना किया कि इसको ताला ना लगाएं, भाई मेरी रिहायश है, जो मार्केट है उनको ताला आप लगा लें, ये दरवाजा छोड़ दें। उन्होंने कहा आप बाहर निकलें, बस इसे भी हमने ताला लगाना है। रौला मालकान का, एलडीए का, एलडीए चाहिए है मालकान नोटिस भेजन कि जमा कराना अपनी फीसा कमर्शियल लिए। इन लोगों को मतलब कोई एहसास ही नहीं है, एलडीए वाला बदमाश बना हुआ है। मतलब क्या लोगों की ज़िंदगी है यहाँ पे, हर काम में हर तरह का टैक्स ले रहे हैं कमर्शियल हमसे, ये बिजली के बिल जो है उनमें कमर्शियल टैक्स यूज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं जी कि कमर्शियल नहीं है। कई वर्कशॉप मालकान ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता रोज़ शादेवाल चौक पर रोड कट बंद किए जाने के खिलाफ मुकामी लोगों ने एहतजाज किया, जिसकी सज़ा एलडीए हुकाम ने उन्हें दी है। एक कट का मसला है कि वो एलडीए ने बंद किया है, अगली रात को वो खोखर बरादरान जो हैं जो भी हैं उन्होंने वो कट ख़त्म कर दिया। अब सुबह सुबह आके बगैर किसी नोटिस के सब कुछ बंद कर दिया। एलडीए हुकाम का कहना है कि तमाम इमारतों का गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए सरबमोहर किया गया। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ गुरैन आयाब, सिटी 42।